हाँ हेलो रुन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं सब्यसाची जो 2018 बैच में हमारे पास आए थे और आज ये अभी IIT कानपुर से PhD कर रहे हैं। 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ था। बहुत दिन से हमारा भी मन था कि इनसे बातचीत किया जाए, बट ऐसा कमिटमेंट था कि समय नहीं मिल पा रहा था, भी बिजी हैं। और अब इनका रिसर्च भी बहुत अच्छा चल रहा है, पेपर वगैरह इनका ऑन द वे है, तो बहुत कुछ हम लोग बात करेंगे इसमें। और जो स्टूडेंट अभी रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, आगे रिसर्च लाइन में काम करने का मतलब प्लान बना रहे हैं कि PhD में मुझे जाना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, आगे क्या चैलेंजेस हैं, है ना, क्या फन है, बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनसे। तो पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सभ्या, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपको भी सर, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स तो अ प्लेजर। कैसा, चलो, थैंक यू फॉर द सेम। तो कैसा अभी रह रहा है आपका IIT कानपुर का, अभी जो करेंट सिचुएशन है, कैसा आपका चल रहा है? खुश है वहां पर, कैसा चल रहा है सब? हाँ सर, मतलब सर अभी तो सर मतलब खुश हूँ कि आई आई एंजॉयड माई स्टडीज एंड इन ऑल दिस थिंग्स। तो अभी सर, तो अभी तक तो सर मतलब सब कुछ मतलब ठीक ठाक ही है। तो आगे सर मतलब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, आपको सब कोर्स बहुत ठीक ठाक डिपेंड रहेगा? हाँ, नहीं ठीक करता। ठाक क्यों नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक, ठीक ठाक क्या, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे इंसान है, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। मैथमेटिशियन भी आप बहुत अच्छे है, थे, हैं, आगे रहेंगे भी, मेरा ऐसा मानना है। और तो अभी पेपर वगैरह पे काम चल रहा है? हाँ सर, एक्चुअली सर आई हैव सबमिटेड टू पेपर्स। वाह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मतलब ऑन द वे है। तो अभी तो मतलब अभी अभी मतलब वो मतलब इन ही हुआ, मतलब इन ही हुआ। हाँ पब्लिश मतलब अभी तक मतलब हाँ इन ही हुआ, लेकिन वो ऑन द वे है। तो शायद आई होप कि वो मतलब पब्लिश हो जाए। तो आई होप और सो। क्यों नहीं होगा भाई, हाँ क्यों नहीं होगा, इतना मेहनत आपने किया है, 3 साल का मेहनत है, क्यों नहीं होगा, बहुत बढ़िया। और एक तीसरा पेपर भी आप बता रहे थे लाइनअप में है ना, मतलब उसमें भी काम हाँ चल रहा है, वो हाँ बहुत बढ़िया। उसका काम हो रहा है। तो तो गाइड के साथ बॉन्डिंग अपना बढ़िया, एक अंडरस्टैंडेबल, बढ़िया, एकदम एकदम अच्छा है। हाँ गुड सर, एकदम गुड सर अच्छा है गुड। सर, एकदम मतलब किया है वो मतलब बॉन्डिंग एकदम सही है। मतलब मैं सर ऐसे मतलब मिलना मतलब गाइड मिलना मतलब ये इट इज समटाइम्स लक लक, फॉर ब्लेसिंग्स, ज्यादा ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ब्लेसिंग्स, राइट, है ना, एकदम गुड गुड। सर। मतलब इतना मतलब अच्छा मतलब ये मिला, गाइड मिला सपोर्टिव, मुझे। यस, एकदम सर सपोर्टिव है। गुड गुड। उसी का ही, और आपका मेहनत तो है ही ऑफ कोर्स। और देखो, गाइड का भी ना मेंटोरशिप ऐसा चीज है ना जिसको आप कहीं से खरीद नहीं सकते, राइट, आप मतलब बाजार में नहीं मिलेगा इसे, ये सारी चीजें जो इंसान आपको ना, मतलब आपको पता है कि वहां तक जाना है, दिल्ली से बॉम्बे मुझे जाना है, मुझे पता है डेस्टिनेशन भी पता है कि वो है, लेकिन जो बीच का जो जर्नी है ना, वो मेंटोर हेल्प करता है, राइट, कि भैया क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ क्या चीजें हैं। तो वो मेंटोरशिप का जो जो जर्नी है ना, वो अगर अच्छे, जहाँ ट्यूनिंग फिट बैठ जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप हैं, तो आई थिंक यू शुड थैंक हिम एज वेल, कि नहीं, बहुत अच्छा आपका चल रहा है। और वैसे भी आपका काम मुझे पता है कि आप उसमें कोई शिकायत का मौका आप कभी देंगे नहीं वो मुझे पता है, बट एनीवे, सो द कानपुर न्यूज इज गुड। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा चिंतित था, IIT इट्स कानपुर के बारे में, दैट्स गुड, इट इज गुड गुड गुड। टिल और नाउ, इट इज आगे भी हो, बहुत अच्छा गुड। रहे, बहुत अच्छा होप रहेगा। सो सर, आगे टिल नाउ इज वेरी डेंजरस वर्ड, कि PhD में अच्छा ही रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा मतलब रहा। यस आई एंजॉयड यस यस, वेरी ऑफ मच। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो वो चीजें हो गई, तो और सब
अभी भी बहुत सारे यहाँ से, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए भी हैं जो आपके जूनियर्स हैं। एक जो मेरा स्टूडेंट है उसी से कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, तो मैंने पूछा भी था कि हाँ भाई कैसा है, सभ्या को जानते हो? बोले हाँ, मैं आते साथ उनसे मिला था बताया था कि मैं विनोल फॉर्म पढ़ा हूँ, तो बड़ा खुश हुए। बोले हाँ, मेरा स्टूडेंट, मैंने बोले बताया भी था कि कभी कोई डायलेमा होगा यू शुड गो एंड कॉन्टेक्ट हिम, इट्स नॉट एन इशू, यू जस्ट नेम इट। इवन तो आप नहीं भी बताओगे कि मैं सुमित्रा का स्टूडेंट हूँ, स्टिल ही विल हेल्प यू, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। तो कुछ स्टूडेंट आए थे आपके पास मेरे, उन्होंने कुछ? हाँ यस सर, मतलब जो एक का मतलब नाम है चंदन, चंदन, वो आए थे। हाँ हाँ तो और उसके बाद वो इंद्र ज्योति, तो उसके साथ मतलब ये नहीं हुआ। हाँ बातचीत मतलब नहीं हुआ, लेकिन उसको मैंने मतलब जस्ट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ उसके साथ, तो अभी उतना यस मतलब यस। बातचीत नहीं हुआ। थोड़ा सा होता है ना कि मतलब पीएचडी लाइन में जब स्टूडेंट शुरुआत में जब जाते हैं, शुरुआत का जो 6 महीने या 1 साल होता है ना, वो मतलब क्या बोला जाए, मतलब वो अजीब सा टाइम होता है। आप वो खुद उस दौर से गुजरे होंगे, क्योंकि आदमी इतना कंफ्यूजन में होता है, भैया क्या करूं, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में जाऊं, टॉपोलॉजी में जाऊं, फंक्शनल में जाऊं, कि अप्लाइड काम करूं, मतलब क्या करूं, मतलब इतना डायमेंशन एक्सप्लोर हो जाता है ना कि आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो वहां पे गाइड कम सीनियर लोग जो होते हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं कि बेटा देख ये कर, है ना, तो थोड़ा उस टाइप की चीजें रहती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है आपके सेफ हैंड में है, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस, बट हाँ थोड़ा बहुत वो चार चीजें डर होती है शुरुआत में लोगों को, वो पार्टिकुलर कुछ कुछ आप लोगों की तरह होते कि नहीं, जो श्योर होता है माइंड मेकअप होता है, जैसे आपके बैच में जो लोग थे कि नहीं मेरे को यही एरिया काम करना है, वो फोकस्ड रहते हैं कि नहीं भाई कुछ हो चाहे नहीं हो, वैसा ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ही चूज करते हैं कि मेरे को इसी में ही काम करना है, और वो बहुत ही क्लियर होते हैं डे वन से। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, थोड़ा डायलेमा में रहते हैं कि नहीं ये भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, अब वो कोर्स वर्क के दौरान मैं डिसाइड करूंगा कि किस में मेरा पोटेंशियल है, किस में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो वैरी करते रहता है। तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है एट द एंड। कभी कभी लोग खुद से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक अच्छे दोस्त या सीनियर मिल जाते हैं तो और सॉर्ट आउट हो जाता है अच्छे से, तो वही सारे एक डायलेमा में रहता है। बट आई होप आप लोग के संरक्षण में वो सारे स्टूडेंट्स रहेंगे तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। यस सर, और एक 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 शायद और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प अदर्स एग्जैक्टली एंड ऑल दिस थिंग्स, यस सो माय ड्यूटी टू। यस यस एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा लगा ये आपका सुन के। अभी भी आप वही नेचर अपना मेंटेन किए हुए हैं जो आप मैं था, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन। एक और स्टूडेंट था, एक और स्टूडेंट थी शायद, वो होगी भी या चली भी गई होगी, प्रियदर्शनी शायद सीज, वो भी पहले आईटी कानपुर से दिसंबर सेशन में उन्होंने ज्वाइन किया होगा हमारे, यहीं से मतलब गई थी तभी, अभी I हैं think वो? now she no no I think now she is moved to the KFR camp. हाँ, इस बार उनका ICTS TFR और वहां पे Yes, हुआ था। yes. यस यस हो गया है वो, तो हाँ चलेगा। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही मतलब बहुत ही तो बाउंस KFR बैक camp किया में था। क्या हुआ है तो फिर हाँ ऑफ कोर्स, नीड्स नो नो इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। हाँ लेकिन एक एक होता है ना कि बाउंस बैक किया है उस लड़की ने, मतलब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी आईटी कानपुर में ही थे, तो बहुत मतलब एक था कि स्टडी में गैप हो गया था, तो स्टडी में गैप होने के बाद क्या होता है आजकल आम स्टूडेंट्स के बीच में कि यार स्टडी में गैप हो गया तो शायद पीएचडी में मेरा नहीं होगा, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। अरे तरह तरह के क्या पूछेंगे भाई, आपसे मैथमेटिक्स पूछेगा, सिंपल सा बात है, मैथ आता है आइए, नहीं आता है जाइए, सिंपल सा बातचीत है। तो यही चीज समझने में उनको बहुत समय लग जाता है, बट सी वॉज वेरी क्लियर, मतलब कुछ था उनका, कुछ पर्सनल भी था, बट हाँ, बट नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हर ऑल्सो कि डिजर्व हो गया उनको जहां जाना था, दैट्स रियली गुड फॉर। तो अभी और जो सर, आपके बैचमेट, अब आते हैं आप लोग और सब जो बैचमेट्स थे हमारे, ज्ञानेंद्र, गुज्जू भाई और बाकी दीक्षा और सब, वो सब सबके टच में है, बहुत लोगों से बात, पता नहीं सब स्टूडेंट लगता है मेरे से बहुत खफा होंगे, एक बार उन लोग से मीटिंग मुझे भी करना पड़ेगा लग रहा है। तो उन लोग से बातचीत होती है, कैसा है उन लोग का काम, टच में है मतलब सबके सर, साथ? सर, सर मतलब से बातचीत सर मतलब होता है लोग सर, तो आई थिंक मतलब ज्ञानेंद्रो का तो मतलब काम
मतलब अच्छा मतलब हो रहा है, और उनका शायद एक पेपर भी आ गया उनका, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ही सबमिटेड। वाह तो एंड एंड ख्याति इज इज ऑल्सो डूइंग गुड गुड जॉब, एंड एंड दीक्षा इज 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 गुड ऑलवेज, इज शी इज ऑलवेज इज ऑलवेज द हां हंगर ऑफ मैथमेटिक्स, शी इज डूइंग पीएचडी इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, सो इट इज एंड इट इज अ वेरी टफ, आई मीन इट्स अ वेरी रिच एरिया, रिच एरिया, यू हैव टू मतलब वहां तक पहुंचने के लिए पेपर के लिए ऑल दिस थिंग्स, सो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है या उसका जो प्री रिक्विस्ट है ना एल्जेब्रिक ज्योमेट्री का जो प्री रिक्विस्ट है, आई मीन इट्स ह्यूज, आई मीन वो 3 साल 4 साल का लो, मतलब एक टाइम था, मतलब ऐसे ही होता था कि कोई एल्जेब्रिक ज्योमेट्री मतलब समझो कि पीएचडी के दौरान लोगों का पेपर पब्लिश होता था, एक पीएचडी के पेपर में मतलब एक पेपर में पीएचडी मिल जाती थी, मतलब कुछ ऐसा हाल था, मतलब अभी 4 साल 5 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, इट्स सो, लेकिन वो क्वालिटी होता था पेपर, क्वालिटी होता था, तो वो तो है। It is very interesting topic. Exactly. It is very very interesting and also it is very useful to understand the things. Exactly. Going on. Exactly. In the modern mathematics. Exactly. That's completely. I feel that. आई मीन इट्स अ डाइवर्स एरिया, उसमें इतना एप्लीकेशंस है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, आप जाके इतना आपको अगर एल्जेब्रिक ज्योमेट्री पे आपका अच्छा कमांड है, यू कैन मूव टू लाइक जैसे कि नंबर थ्योरेटिक अप्रोच में भी, जैसे हमने डिस्कस किया था फोन पे भी, लैंगलैन प्रोग्राम्स हो गए, आई मीन यू कैन गो एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आई मीन इट्स मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, आई मीन आपका, मैंने मतलब कितने लोगों को देखा है, कभी कभी अच्छे प्रोफेसर का प्रोफाइल देखोगे, आई मीन they have done PhD in this and they move to some other usi ke sub areas mein, usi mein 3-4 sub areas mein they are working and they are enjoying a lot, bahut sare examples hain, I mean bahut sare, koi number theory mein bahut sare, jaise bahut sara naam bata sakte hain hum log, but theek hai, bahut sare students jo video dekh rahe honge nahi familiar honge, representation theory jaise hum log baat, representation automorphic, matlab bahut sare sections ho jate hain jahan pe aap usko bahut acche tarike se use kar sakte ho, राइट तो इसीलिए बोला था उस पार्टिकुलर फेज पे आना कि आपको अब पेपर लिखने के लायक हो, वहां तक का जो जर्नी आसान नहीं होता, आई मीन इस पार्टिकुलर इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री यू हैव टू स्टडी लॉट, आई मीन जो पहला ही जो प्रिंसिपल बुक है उसका हार्डस्टोन, उसी को ही तो एक चैप्टर एक मंथ एटलीस्ट, एक चैप्टर एक एक मंथ एटलीस्ट, मतलब ऐसा होता था जो पहली बार जो उस बुक को देख रहा है, आई मीन द लैंग्वेज यू नीड, आई मीन जो लैंग्वेज उसके लिए चाहिए, द पकड़ विथ योर अत्या मैकडोनल्ड एंड देन यू शुड गोइंग टू दिस बुक, आई मीन एंड एक्सरसाइजेस आर नॉट लाइक इट्स लाइक एग्जैक्टली तो थोड़ा सा वो लैंग्वेज इशू जो होता है ना, गैप जो होता है ना, एक सडनली नीचे से ऊपर के बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने में इट्स टेक टाइम, लेकिन जब वो एक बार फिलअप हो जाता है ना, फिर आगे का जर्नी बहुत स्मूथ होता है, फिर आपको टाइम नहीं लगता, तो मुझे पता है ऐसी वो कर लेगी, बहुत बहुत तोड़ी लड़की, बहुत अच्छी लड़की है, मतलब I always मतलब क्या बोलूं, बात करेंगे उससे भी anyway, बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ में एक बार हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, anyway बहुत अच्छा रहेगा, तो ये चीज तो सबके टच में रहते हैं लगभग, जो भी आपके बैच के थे सबके अपना जो जो सर है, तो ऑलमोस्ट वी आर टच विद ईच अदर, गुड, तो ये तो आपका भी करंट सिचुएशंस हो गया जो हम लोग ने अभी बातचीत करी, थोड़ा सा पीछे आते हैं सब ऐसा चीज, थोड़ा सा पीछे आते हैं,
तो ये रिसर्च के बारे में जो आपका जो एक इंटरेस्ट था, जो आपका जगह, या पढ़ाई के प्रति जो आपका एक मैथ के प्रति जो आपका इंटरेस्ट कहें कि मैथ के प्रति पहले आते हैं, मैथ से आया फिर रिसर्च में आए, ये कैसे हुआ, कब हुआ, और मतलब वाई रिसर्च या वाई मैथ्स, ये जो बेसिक क्वेश्चन आ जाता है इसके पीछे का थोड़ा सा आप बताएं हमें। एक्चुअली सर मतलब इन माय एमएससी टाइम सो आई वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द एप्लाइड मैथ्स. कहाँ से एमएससी थी आपके? फ्रॉम फ्रॉम आईआईएसटी शिपू आईआईएसटी शिपू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेम्बर नेम. हाँ, इट इज नॉट कॉल्ड द एमएससी, आईआईएसटी इंजीनियरिंग होगा। हाँ, आई आई इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। हाँ, नॉट एन इश्यू, हाँ नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। सो लेकिन वो, हाँ वो तो आपका अप्लाइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, वो इंस्टीट्यूट शायद मेरे ख्याल से अप्लाइड के लिए अप्लाई ही, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं वहाँ के, पहले भी पढ़े थे अभी भी यस हैं, तो वो बोलते कि अप्लाइड वहाँ का अप्लाई बहुत अच्छा है। यस सर. सो इन दैट टाइम आई वाज इंटरेस्टेड इन द अप्लाइड मैथ्स बट ड्यू टू द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम लाइक एज नेट एंड गेट सो आई स्टार्टेड रीडिंग द ऑल दिस बुक्स ऑफ प्योर मैथ्स एंड देन वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब एक प्योर मैथ्स का मतलब एक मतलब इंटरेस्ट आ गया कि मतलब एक कुछ मतलब इंटरेस्टिंग एक कुछ मतलब चीजें हैं कि रियल नंबर्स द अपर बाउंड एंड द एलयूबी एक्सियोम एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो द एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा. सो आई सो एट फर्स्ट आई फील दैट आई सपोज टू डू पीएचडी इन द एलजेब्रा. सो इन दैट टाइम जस्ट आई फील दैट दिस टॉपिक एलजेब्रा. सो एंड तो उसके सर सर उसके बाद वो सर आपका नेटवर्क शायद थोड़ा मतलब सा ज्यादा ग्रेजुअली गड़, नेटवर्क में थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम हो इट रहा इज है ना बीच ओके में। इट इज ना हाँ ओके सर. हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक होता है आवाज। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ ठीक है, तो सो सर मतलब सर आप जो बता उसके रहे थे कि योर इंटरेस्ट वाज इन एल्जेब्रा, आप एल्जेब्रा में धीरे धीरे जो प्योर को पढ़ते पढ़ते एल्जेब्रा में आ गए। चलो यस हाँ ठीक है, इंटरेस्ट आ कंटिन्यू गया. कीजिए। तो सर इन दैट टाइम आई फील दैट आई सपोज टू डू माय पीएचडी इन इन एलजेब्रा. सो सर वो मतलब सर ग्रेजुअली वो मतलब इंटरेस्ट आया है मतलब मेरे पास. सो एंड दैट एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड गो टू सम आईआईटीज और सम आईएससी बैंगलोर टू डू माय पीएचडी. बट इन दैट टाइम मतलब मेरा मतलब बैकग्राउंड उतना मतलब सही मतलब नहीं था कि मतलब एक एक प्रॉब्लम को मतलब कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है तो मतलब सोचना कि सर मतलब जो आप जो सर मतलब सर बोलते हो कि हाउ टू थिंक तो सर वो वाला मतलब चीज मतलब सर वो मतलब आई डोंट हैव. तो सर उसके लिए तो सर आई ज्वाइंड टू इन योर क्लास एंड देन आई एम वेरी मच अप्लाइज दैट आई सर आई लर्न समथिंग टू चलो ऑल दिस थिंग. थैंक यू। लेकिन हाँ, तो वो चीज था जो इंटरेस्ट आपका था एलजेब्रा में आया,
तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो जो आपका क्यूरियोसिटी था सब्जेक्ट को लेके, वो उसमें और आपको हेल्प मिल रहा था आगे, और वो सारी चीजें फिल्टर हो रही थी अच्छे से, जो आपको और रिसर्च के एकदम लिए सर, आगे मतलब मोटिवेट कर रहा था? एकदम सर, एकदम सर, मतलब जो मतलब एक चीज मतलब सर, मतलब सर होता है सर, मतलब एक मतलब प्रॉब्लम, इफ यू सी अ प्रॉब्लम, सो आई ट्राई टू सॉल्व इट जस्ट इन 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 हरी, कि मतलब वो मुझे मतलब अभी मतलब इसको सॉल्व मतलब करना है, ठीक है, लेकिन मतलब टू अप्रोच ए प्रॉब्लम, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो एग्जैक्टली मतलब सर ये चीज मतलब सर मैं सर मैं सर मैं सर आपसे मतलब आपसे मतलब सर सीखा मैंने, तो इट इज वेरी सर सर इट इज सर वेरी सर हेल्पफुल फॉर मी. तो मतलब अभी तक मैं मतलब उसको ही मतलब आई फॉलो. हाँ हाँ दैट पाथ दैट हाँ यू टॉट मी, थैंक यू सो इट थैंक यू थैंक यू। इज वेरी सर हेल्पफुल अरे फॉर मी, यू एटलीस्ट फॉर आपका मी इट इज वेरी हेल्पफुल. आपका जो गैंग था दोस्तों का, वो भी बहुत अच्छा था। आई थिंक वो गैंग भी आपको एकदम बहुत एकदम हेल्प सर, किया है। एकदम सर, एकदम सर, वो एकदम सर, एकदम. बहुत सारे दोस्त लोग का वो जो एक होता है आपका दोस्त का जो एक था, जो तीनों जस्ट लोग प्लीज टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेंड। मेट्स विथ मी एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली दैट टाइम. आई वाज आल्सो हैप्पी। आई वाज मतलब मैं एवरीबॉडी एवरीबॉडी हाँ हेल्प मी अ लॉट, एवरीबॉडी मी अ लॉट, बहुत बढ़िया। स्पेशली स्पेशली ज्ञानेंद्र हेल्प मी अ ज्ञानेंद्र लॉट. या सब वाइज से, एवरी वाइज से। वी शुड नॉट डिस्कस दैट, बट या दैट शुड बी, वी कीप कॉन्फिडेंशियल। बट यस, बट आई नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प ही हैज डन फॉर यू। आई मीन अमेजिंग। थैंक और आप ही के लिए नहीं, यू, और भी जो थे उसके कुछ और भी मित्र आते थे, तो ही इज ऑलवेज की सर ये बात हमारे आपके बीच में ही रहेगी तो अच्छा रहेगा। सो ही इज ऑलवेज टेक केयर की इफ आई एम हेल्पिंग टू समवन, इट शुड नॉट गेट दूसरे को ना पता चले। तो बड़ा अच्छा लगता था उसका थैंक सोच से, बहुत ही अच्छा लड़का नो डाउट। अभी भी उसका वही नेचर है एंड इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है चीज सोच के। चलो बहुत बढ़िया। तो अब वो सारी चीजें जो थी उसको आपके अभी पीएचडी के दौरान भी वो सारी चीजें आपकी हेल्प कर रही हैं आपको एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने में। दैट्स लिमिट है, बोले एकदम ना। सर, वो सब चीजें होते हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है कि शॉर्ट टर्म में चलो ठीक है, मार दिए तो हो गया, रैंक वन आ गई। उसके बाद क्या मतलब, यही चीज मुझे बच्चों को समझाने में 1-2 साल लग जाते हैं कि भाई ठीक है हो गया, लेट्स अज्यूम रैंक वन, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट। तो वो सब चीज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हो जाता है। देखो उनमें स्टूडेंट का भी दोष नहीं है ना, उसका दोष मैं खुद को ही दूंगा। आई ब्लेम माई सेल्फ कि ये स्टूडेंट कम्युनिटी का दोस्त नहीं है, ब्लेम माई सेल्फ कि हम लोग ही आसपास कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हो जाता है कि नहीं भैया रैंक लाओ, ये लाओ। मतलब हम लोग से जो टीचर्स हैं, राइट। मैं तो एटलीस्ट नहीं ये सब चीज में जाता, बट हाँ जो कि 11-12 से जो मान्यता ही रहती है कि नहीं जेई में जाना है तो रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बच्चा कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड अप्रोच करने ले कि एक ऐसी चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा जोर, शॉर्टकट जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत उसको आने लगती है। और सडनली जब चीजें कॉन्सेप्चुअल आती हैं तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो वो बच्चों स्टूडेंट्स में मुझे नहीं लगता वैसा कोई फॉल्ट होता, बट हाँ थोड़ा बहुत जो एक हम लोग का जो कह सकते हैं एक सोसाइटी इन्वायरमेंट या जो भी एडुकेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत वहां पे थोड़ा बहुत एक गैप चीज है। एंड वी आर ट्राइंग कि वो गैप फिलअप हो जाए हंसते खेलते, है ना, हंसते खेलते वो गैप फिलअप हो जाए, राइट। उसमें ज्यादा बच्चों लोग को तकलीफ ना हो, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग एनीवे। और बाकी मैं मतलब क्या बोलूं आपके बारे में, आप मतलब मुझे याद है आप जो आए थे, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप कैसे आए थे कोलकाता से फर्स्ट डे यू मेट स्टूडेंट लोग, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को, मतलब आप लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सर ऐसे है फैमिली कंडीशन नहीं है, यू कांट बिलीव दिस गाय, ये कैसे आए थे हमारे पास दिल्ली उस समय। आई मीन लोकल जो होता है बॉगी, जनरल बॉगी, बिकॉज आई नो व्हाट वाज हिज कंडीशन, यू कैन सी हिम। सबको उगता हुआ मतलब बोला ना कि सूरज जब चलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ लाइट आ रही, लेकिन जलना
बहुत लोग नहीं चाहते सूरज की तरह, सूरज की तरह चमकना सब चाहते हैं, तो ये रियली उस चीज में जले हैं ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज भी थे आपके घर में, मतलब आपके माता जी पिताजी का थोड़ा हेल्थ भी रहता था, आप कैसे जाते थे अब जॉन, कितना आप डांट भी सुनते थे मेरे से, बट आप मैनेज करते थे दोनों चीजों को, फैमिली योर स्टडी और योर फाइनेंशियल कंडीशन, इट वॉज रियली बिग टास्क। और यही नहीं, आपने एक स्टूडेंट्स भी था आपका, आपकी फ्रेंड थी जो यहाँ पढ़ रही था, आपने उसके लिए कुछ अपना किया भी था, और आपने ये भी बताया था कि नहीं चलो सर आप उनको मत बताना उनको बुरा लगेगा, तो बड़ा अच्छा नेचर लगा कि चलो यार है मेरे स्टूडेंट हैं ऐसे कि मैं बड़ा प्राउड रह सकता हूँ, सो आई फील वेरी गुड फॉर यू, यू आर वेरी गुड ह्यूमन, आई मीन नो डाउट एट ऑल। मैथमेटिशियन बहुत लोग हो जाते हैं, सब कुछ क्वालिटी रहता, बट आपका ये सोच बहुत अच्छा मुझे लगा था कि आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है, दैट्स अ गुड थिंग, यू हैव गुड क्वालिटी, मेंटेन रखना इसको, ठीक है, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा, बाकी ऐसे ही रखो। और घर का कैसा स्थिति है, फैमिली सब कुछ ठीक ठाक है अभी, माता पिता जी कैसे हैं? लेकिन आप जब जाओगे तो गाइड को बता के जाना, भाग मत जाना ऐसे ही, कभी कुछ कभी इमरजेंसी में जाना पड़े तो गाइड को बता देना, है ना, कि मेरी तरह से गायब साथ। I always informed him before I leave the campus. वही तो हम एक बार ऐसे हुआ था क्लास में, तो ज्ञानेंद्र कौन बोले भाई क्या हो गया, जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओ कि किडनैप तो नहीं हो गया बच्चा पता चला आपका कॉल भी नहीं लग रहा फिर बात आई फील दैट ओके आई हैव टू डू मैथ्स एंड आल्सो आई हैव टू केयर माय पेरेंट्स सो मतलब इन दोनों के मतलब बीच में वो मतलब एक मतलब कॉन्फ्यूजन था। तो सर मतलब सर जो मतलब आज में सर मतलब सर आई फील दैट टुडे व्हाट आई एम इट्स सर ओनली सर फॉर यू इट्स ओनली सर फॉर यू बिकॉज मतलब सर उधर मतलब आफ्टर सर ज्वाइनिंग योर क्लास सर एक्चुअली सर मतलब सर मेरा सर सर एकदम सर थिंकिंग जो मतलब जो मतलब जो थे वो सर एकदम मतलब ये हो गया चेंज हो गया उसके बाद कि हाँ हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स एंड आल्सो इन लाइफ सो इट इज वेरी वेरी सर हेल्प फॉर मी थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट लोगों को बता दूं भैया ये जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा, ये ठीक है, ये उनका बड़प्पन है, ये खुद बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट हाँ बता दूं इनका मेहनत बहुत ज्यादा है, इनका इनके फ्रेंड सर्कल का जो इनके बैच में थे और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से पास होते हैं, जितने भी स्टूडेंट आप देखे हो यहाँ से, मेरा योगदान बहुत ही मिनिमम होता है, ये स्टूडेंट का बड़प्पन है कि वो ऐसा बोलते हैं, मेरे ख्याल से उनका मेहनत बहुत ज्यादा होता है, बहुत मेहनत करते हैं, मन लगा के मेहनत करते हैं, जो उनको दिया जाता है बहुत ही मन से करते हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हर जगह वो ऐसे जाते हैं। लेकिन स्टिल थैंक यू सभ्या कि आप ये सारी चीजें आपके काम आई लाइफ में और आप आगे बढ़ रहे हो बस, और यही मैं बहुत आई वाज आल्सो मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, इनफैक्ट आपके पहले अंकुर थे, अंकुर से भी नहीं बातचीत हुई है, बात होगी, आई मीन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आई कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट कि मतलब क्या क्या होते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था ये डेडिकेशन आप लोग का, वो डेडिकेशन अभी भी है, 3 years हुए हैं आपके, आपने 2 दे दिया प्योर में, इट्स अ बिग चैलेंज आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या ये ऐसे ही रहो, मेंटेन रहो, क्वालिटी पे एकदम फोकस रखना, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे चले रिजेक्ट हो जाए पेपर, क्वालिटी, क्योंकि एट द एंड वही बोलता है, रिकमेंडेशन कैसा भी रहे वो नहीं कुछ सुनेगा, क्वालिटी बोलेगा एट द एंड, समझ रहे हैं, अब बस उस पे ध्यान रखना अपना, और उस मुझे उस पे चीज पे आपको बताने का जरूरत नहीं, आप खुद बहुत समझदार इंसान हो,
और मुझे एकदम लग रहा है कि वो चीजें बहुत अच्छा होंगी आपके साथ, और आई होप और भी जो आपके फ्रेंड्स में जो है हम लोग जुड़ेंगे बहुत ही जल्द, हम लोग प्लान करेंगे कि सबको हम लोग बिल्कुल जुड़े, बढ़िया से बातचीत करें बिल्कुल और सबको सबका अच्छा हो, क्योंकि आप लोग मैथमेटिशियन प्लस एक बहुत ही हेल्पफुल लोग हो, और हमेशा से जो नहीं भी जिसको आप जानते हो उसका भी आप कर देते हो हेल्प, दैट्स अ गुड थिंग क्वालिटी, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें। और बहुत लोग क्या होते हैं ना, बहुत लोग जो आते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी सभ्य भैया जैसा ही जाना है, मेरे को भी मैथ ऐसे करना है, मेरे को भी NBHM चाहिए, वो भी मेरे कॉलेज से ऐसा है, तो बहुत सारे लोग आपके नाम से आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपने रखे हैं, तो बस काम करते जाइए अच्छा, और क्या है ना, बाकी अपना ध्यान बिल्कुल रखे, अरे एकदम ध्यान रखे, लोगों के बात में ज्यादा जाइएगा मत, बस ये ध्यान रखिएगा कुछ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन सब बातों को, बीत ना जाए रहना, अपना काम कीजिए, बाकी जो बोले ये कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, आप सही हैं दैट सही है, नो नीड जस्टिफिकेशन, ओके, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, गो अहेड, जो गुड फ्रेंड्स हैं उनको जस्टिफिकेशन की कभी जरूरत नहीं लगेगी, और जिनको जस्टिफिकेशन देना है वहां जस्टिफिकेशन देने से कोई फायदा भी नहीं है, राइट, तो अपना काम करते ठीक रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है ना, बाकी सब ऊपर वाला देख है लेगा। अब बहुत अच्छा थैंक लगा आपसे बात करके, फिर हम लोग मिलेंगे यू। सब गैंग के साथ अच्छा बहुत दिन बाद, लगा बहुत दिन बाद वही लगा कि चलो यार, मतलब याद आ रहा था सर, मतलब कुछ था ऐसे ही, तो कुछ IIT कानपुर के ही कुछ आप ही के सीनियर थे, कौन थे, कुछ का मेल आया था रिगार्डिंग फैकल्टी पोजीशन के लिए, वो अप्लाई कर रहे थे फैकल्टी के लिए, तो मैं बाद में इस संबंध में बातचीत करूंगा आपसे तो वही याद आ गया, अरे यार सभ्य भी है, क्या यार कि सभी से मैंने बातचीत करा, सभ्य से आज तक नहीं बातचीत किया, चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सभ्य, और आई होप आगे आप थैंक और आप आगे बढ़ें, और मुझे लगता है कि हम लोग अगस्त ये जुलाई 2018, जुलाई 2018 से 2019 के मई तक थे, मई तक थे हम लोग पूरा टच में, यू जब IIT कानपुर में आपका मई में रिजल्ट आया था या जून में आया था, आई थिंक मई जून के आसपास था, सर। इट वाज डिक्लेयर्ड इन जून, आई थिंक जून में, इन जून, जून में, आई थिंक इन मे, इन मे, मई, सॉरी, मई, इन मे, मई, उसमें उसमें कुछ ऑनलाइन होता भी नहीं था, सब आप लोग ट्रैवल करते थे, एक सिटी से दूसरा सिटी, दूसरा सिटी से तीसरा या सिटी, बाप रे पूरा भारत भ्रमण आप लोग का हो गया था ऑनलाइन ट्रैवलिंग एकदम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब सर हर सिटी, मतलब में हर सिटी सर देख लिया हर था सिटी वो एक हो अब गया। थोड़े से बच्चों के समय बच जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं तो थोड़ा बहुत अभी तो सर वो सर मतलब ऑनलाइन सब कुछ मतलब हो रहा है अभी सर ऑफलाइन मतलब स्टार्ट होगा, मतलब हाँ ऑफलाइन, कैंपस में एग्जाम, तो हाँ, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ऑन द आपका ट्रैक, नेक्स्ट सेमेस्टर। हाँ ऑन ट्रैक हो रहा है, बट बहुत वो एक साल बहुत अच्छा बीता था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत जटे अच्छा रहे थे, और उसके बाद से आप लोग ने इतने फुटप्रिंट छोड़ दिए, आपको देख के बहुत लोग मोटिवेट हुए, वो आए भी गए भी, बहुत अच्छा रहा, आई होप आपके आगे जो वहाँ के जूनियर्स हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे वो लोग, दैट्स व्हाट आई होप, और बाकी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं आई होप इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जैसे मैं इनसे सीखा हूँ, एंड आई होप आगे और भी फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए और स्टूडेंट्स के साथ और हम लोग चर्चा करेंगे, कोई भी डाउट हो आप मेल कीजिएगा novelforum05 पे @gmail.com, सो अगेन थैंक्स टू सभ्य फॉर गिविंग यू क्वालिटी टाइम, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, ओके थैंक यू सो मच, ओके टेक केयर, बाय।